स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 5 स्टार्ट करेंगे। तो वर्कशीट 5 स्टार्ट करने से पहले हम जो लॉ पढ़े थे, लॉ नंबर 5, उसको हम थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे बच्चों मुझे बताओ, 2 to the power -2 है यहाँ पर, तो पावर है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने लॉ पढ़ा था, इसको हम नीचे ले आएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब पावर जो पॉजिटिव था उसको हम नीचे ले आने से क्या हो गया, वो मतलब सॉरी यहाँ पर पावर जो नेगेटिव था उसको हम नीचे लाए तो पॉजिटिव हो गया। उसी तरह मुझे बताओ, 2 to the power -1 अगर है तो ये जो पावर यहाँ पर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे सेम रूल, इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/2 to the power 1। तो 1/2 to the power 1 का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होगा। समझ में आ रहा है? और एक एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर 3 to the power -1, ठीक है, तो ये है एक्चुअली कहाँ, ऊपर ही है, यहाँ भी वही सेम रूल होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये है ऊपर, इसको हम नीचे लाएंगे, तो इसको नीचे अगर लाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/3 to the power 1, तो 1/3 to the power 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/3 आएगा, क्योंकि 3 को एक बार लिखना है, तो एक बार मैंने लिख दिया। 3 to the power 1 का मतलब क्या, 3 एक नंबर है जिसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ही बार है वो, मल्टीप्लाई नहीं एक ही बार है वो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। ये समझ में आ गया? तो 3 to the power -1 का जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, 1/3 होगा। उसी तरह मैं अगर पूछूं, जल्दी से बताओ, 5 to the power -1 का आंसर कितना निकलेगा, 1/5 निकलेगा। आपको ये सब चीज़ सीखना होगा। अगर मैंने कहा 6 to the power -1, इसका आंसर क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा 2/5 to the power -1, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा था अगर रैशनल नंबर अगर हो तो ये दोनों उलट जाएंगे। वैसे ही कहा जैसे जैसे यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/2 to the power 1, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जैसे मैंने उसको ऊपर नीचे किया तो ये पॉजिटिव हो गया। और एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3 to the power -1, तो इसका आंसर -2 लिखूँ अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 to the power 2, नेगेटिव पावर था अभी यहाँ पॉजिटिव पावर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको चेंज कर दिया, ऊपर ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर ले गया। यहाँ पर देखो, ये ऊपर था, ये नीचे आ गया, ये नीचे था, ये ऊपर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे पावर से नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा? अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको फिर अगर हम चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा। ये सब अगर चीज़ समझ में आ रहा है तो वर्कशीट 5 हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो वर्कशीट 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर गिवन है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2 to the power -1 - 3 to the power -1 - 1, ठीक है, +6 to the power -1 - 8 to the power -1 -1, ठीक है। तो हम पहले इन ब्रैकेट के अंदर जो है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 2 to the power -1 का आंसर क्या वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। समझ में आ रहा है? माइनस का साइन वैसे ही, माइनस का साइन वैसे रहा। फिर 3 to the power -1 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे था मैंने ब्रैकेट, ये जो छोटा ब्रैकेट था मैंने इसको बड़ा ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गया ना, तो इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट देकर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ऊपर -1 था उसको मैंने वैसे ही रखा, उसको मैंने चेंज नहीं किया। समझ में आ रहा है? पहला प्रॉब्लम समझ लो, उसके बाद जितना बाकी का है सब इजी लगेगा। यहाँ पर 6 to the power -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये माइनस का साइन मैंने वैसे रहा। 8 to the power -1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और होल्ड, ये जो ब्रैकेट स्टार्टिंग में था मैंने उसको लंबा कर दिया ब्रैकेट, और ये ऊपर पावर -1, क्योंकि क्वेश्चन में -1 पावर था। यहाँ तक समझ में आ गया? सिर्फ मैंने इसको इसको सब चेंज किया है, और जो जैसा था ब्रैकेट -1 पावर सबको मैंने वैसे ही रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/2 - 1/3, तो ब्रैकेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट को भी सॉल्व करो। तो 1/2 - 1/3, आपको एलसीएम लेना है, आपको पता है कैसे करना है, 2 और 3 का एलसीएम लो 6, इसको 3 - 2 हो जाएगा ऊपर, इसको भी 1/6 - 1/8 को 6 और 8 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 24, फिर इसको सॉल्व करो, 4 - 3 ऊपर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 1/6 to the power -1, इसका निकला 1/24 to the power -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 देखो पावर नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1/6 पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने से ये उल्टा हो जाएगा। ये 1/24 है, पावर नेगेटिव है, इसको ये जो पावर को पॉजिटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों उल्टा हो जाएंगे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो 6/1 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। 24/1 का वैल्यू क्या है, 24 ही होगा, ठीक है। तो एक बार है मतलब एक बार मैंने लिखा है, 1 पावर 1 है मतलब एक बार, ठीक है। तो 6 + 24 आंसर 30। उसके बाद बिट 2, वैसे ही देखो, अच्छा 2 to the power -1 ये हो गया 1/2, इन 2 का वैसे रहा। 3 to the power -1 ये हो गया 1/3, पावर को मैंने वैसे रखा है 2, पावर ऑलरेडी क्वेश्चन में पॉजिटिव 2 दिया है। -3/8 यहाँ पर देखो पावर नेगेटिव है, -1 है, तो इसको देखो मैंने यहाँ पर मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया, देखो मैंने यहाँ पर मैंने उलट दिया है,
तो माइनस थ्री जो नीचे आ गया, एट तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया। देखो यहाँ पर सिंपल से बात है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो इतना हो गया। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया, 1/2 इंटू 1/3, 1/6 हो गया। पावर ऑलरेडी पॉजिटिव टू टू था ऊपर, तो -8/3। जहाँ जहाँ पावर नेगेटिव नजर आए आपको वहाँ वहाँ चेंज कर दो। समझ में आ रहा है कि अगर ऑलरेडी जो पावर पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करना है। पावर जो अगर पॉजिटिव हो तो चेंज नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपको दिखे कि पावर नेगेटिव है, कहीं भी कोई, यहाँ भी जैसे भी प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, अभी जहाँ अभी जितने कर चुके हैं और ये फिर अपकमिंग क्वेश्चन में जितने करने वाले हैं, आपको अगर कहीं भी नजर आए नेगेटिव पावर, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर। सिंपल सा बात है, मैं आपको सारे प्रॉब्लम का एक ही बात ये बताऊंगा अभी यहाँ पर, कि जितने आप जहाँ भी आपको नेगेटिव पावर नजर आए सबको वहाँ पर पॉजिटिव पावर उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे नेगेटिव नजर आया इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया 1/2, इसको मुझे नेगेटिव नजर आया इसको मैंने चेंज कर पॉजिटिव किया, यहाँ मुझे नेगेटिव नजर आया मैंने इसको पॉजिटिव किया। अच्छा, अब जब सब पॉजिटिव हो गया तब हमको पॉजिटिव पावर वाले सॉल्व करने हम सीखे हैं। जब अगर पावर पॉजिटिव हो जाए तो उसके बाद हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/6 पावर पॉजिटिव टू, यहाँ पे पावर पॉजिटिव वन, तो इसको एक्सपेंड करो 1/6 को, 1/6 इंटू 1/6, दो बार इसको मैंने लिखा एक्सपेंड किया। -8/3 एक बार, तो सिर्फ एक बार लिखना है। ये पावर बोलता है कितने बार लिखना है आपको, कितने बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बोला भाई 1/6 को दो बार मल्टीप्लाई कर, ये बोला भाई तो रहने दे एक ही बार कर, तो जैसे ये बोला वैसे इन्होंने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों आपको सब पता है सॉल्व करना है, 1/6 इंटू 1/6, इसको आप सॉल्व करोगे कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर निकलेगा, ऊपर निकलेगा -2, नीचे निकलेगा 3 × 3 × 3। देखो मैंने लिखा है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद न्यूमरेटर में जो रहा और न्यूमरेटर में जो रहा और डिनोमिनेटर में जो रहा उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर, न्यूमरेटर में रहा -2 और डिनोमिनेटर में रहा 3 × 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा -2/27। क्वेश्चन नंबर बिट टू खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिट 3। यहाँ पर देखो जैसे गिवन है, यहाँ पर 4 to the power -1 ये हो गया 1/4, 3 to the power -1 ये हो गया 1/3। डिवाइड का साइन वैसे रहा, ये 12, जहाँ बोला मैंने, जैसे मैंने कहा था जहाँ आपको नेगेटिव पावर नजर आए उसको पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ मुझे यहाँ ये तीन जगह मुझे नजर आए नेगेटिव पावर, तो मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 1/12 हो गया। डिवाइड का साइन मैंने वैसे ही रखा है, 1/12 वैसे ही रखा। अब मुझे ये इंटू करना है, मुझे इंटू पता है कैसे करना है। इंटू करने से ये क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो मैंने रेसिप्रोकल किया 12/1, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर 1/1। इतना तो समझदार हो, समझ में आ गया होगा। अब ये रहा 1/2 बिट 4 करेंगे, 1/2 तो पावर, देखो यहाँ पर पावर नेगेटिव मुझे नजर आया, यहाँ पर जैसे मैंने देखा पावर नेगेटिव है मेक इट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पावर मैंने उसको रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव किया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना जरूरी है, जो लॉ 5 यही हमें हमें सिखा रहा है। तो 1/3 to the power -2, तो ये हो गया 3/1 पावर पॉजिटिव। तो 1/4 to the power -2, यहाँ पावर नेगेटिव है, जो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव मैंने कर दिया उसको रेसिप्रोकल करके। अच्छा, तो 2/1 का वैल्यू होगा 2, 3/1 का वैल्यू होगा 3, 4/1 का वैल्यू होगा 4। इनको इनके ऊपर सारे के ऊपर पावर पावर कितने थे, दो 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 पावर, पावर यहाँ पर 2, पावर 2 यहाँ पर 2, सारे के ऊपर 2 2 पावर हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको, 2 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 3 का तो दो बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को दो बार मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = 4, क्योंकि हमें पता है बोडमास रूल, पहले मल्टीप्लीकेशन होंगे देन एडिशन होगा। 2 × 2 = 4 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया। इन सब तीनों को प्लस करोगे आंसर आएगा 29। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे गिवन है 2 to the power -1। देखो नेगेटिव पावर था इसको मैंने पॉजिटिव किया, नेगेटिव पावर था पॉजिटिव किया 1/5, ये जो था मैंने उसको वैसे लिखा, ब्रैकेट को वैसे ही लिखा और 2 जो ऊपर पावर था मैंने उसको वैसे ही लिखा। यहाँ पर देखो मैंने चेंज किया है, -5/8 था, इसको मैंने क्या नेगेटिव पावर था पॉजिटिव किया है। जैसे पॉजिटिव करोगे ये क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल, जैसे ही पॉजिटिव करोगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये भी रेसिप्रोकल ही हुआ है, मैं आपको समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, अब देख लो। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा, अब ये डिवीजन है, इसको मुझे इंटू करना है, तो ये 5/1 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 5/2 निकलेगा, स्क्वायर हुआ और ये हुआ 8/-5। तो इसको आप सॉल्व करोगे 5/2 का स्क्वायर, मतलब क्या 5/2 को दो बार मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है 5/2 को दो बार, फिर 8/-5, इसको मैंने 8/-5 वैसे रखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना एक बार, पावर एक है मतलब एक बार लिखना है इसको। तो चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा 5 और 2, 5 और 2 बचा, नीचे बचा 1 और -1, तो -1 हुआ, तो आंसर निकला ये 5 × 2 कितना होगा 10 हो गया। तो 10-1, अच्छा नीचे नेगेटिव है तो आपको पता है रैशनल नंबर, मतलब कोई भी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया -10। समझ में आ रहा है,
अब हम करेंगे बिट सिक्स। यहाँ पर लिखिए 3/7 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/7 टू द पावर -2। देखो पावर नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे ही नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव किया, ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल। यहाँ भी वैसे ही हुआ, नेगेटिव पावर था, जैसे ही उसको पॉजिटिव मैंने किया, ये रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 7/3। ये 7/3 का स्क्वायर, ये डिवीजन के साइन मैंने वैसे रखा है। अब मैंने यहाँ पर डिवीजन का जो साइन था, ये 7/4, इसको मैंने थोड़ा एक्सपांड कर दिया, 7/4 × 7/4। आप चाहते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे एक्सपांड किया देन यहाँ पर रेसिप्रोकल किया, क्योंकि डिवीजन से अगर इंटू आया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। समझ में आ गया? डिवीजन से इंटू हुआ तो रेसिप्रोकल। देखो 4/7, 4/7, तो ये सारे चारों फ्रैक्शन क्या हुआ? नहीं, सब मल्टीप्लीकेशन है। तो कैंसिल आउट होने के बाद आंसर निकला ऊपर 4 × 4, नीचे निकला 3 × 3, तो आंसर वो 16/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर जो है बिट 7, वैसे ये 2/5 नेगेटिव पावर, मेक इट पॉजिटिव पावर, रेसिप्रोकल हो गया। 3/4 नेगेटिव पावर, मेक इट पॉजिटिव पावर, पावर पॉजिटिव मतलब 1 है पावर, 1, 4/3 हो गया। तो ये ऊपर नेगेटिव पावर था -1, उसको -1 मैंने ऐसे लिखा है। फिर इसको सॉल्व करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे, आंसर नीचे क्या है? 5 × 2, मतलब ऊपर रहा 5 × 2, नीचे 3 टू द पावर -1, क्योंकि -1 पहले से ही क्वेश्चन में था, मैंने सिर्फ इसको नीचे नीचे लिखा है सब। उसके बाद 5 × 2 × 3 5/2 5 × 2 सॉरी 5 × 2/3 टू द पावर -1, इसको सॉल्व करो 10/3, 10/3 टू द पावर -1, पावर नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो 3/10 टू द पावर 1। आप बोलोगे सर आपने पावर 1 क्यों नहीं लिखा, पॉजिटिव 1। तो बच्चों ये समझ जाओ कि 3/10 जब मैंने किया, ये पावर हो गया 1, तो 3/10 टू द पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/10 लिख सकता हूँ। उसके बाद बिट 8 यहाँ पर देखो क्वेश्चन गिवन है, 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 8 × 64। तो यहाँ पर देखो, ये देखो दोनों डिविजन है, मतलब ये दोनों नंबर, सॉरी ये पर मतलब कहने का मतलब, ये जो बेस इक्वल है, ये बीच में डिवीजन है। तो हमने रूल पढ़ा है लॉ नंबर 2, याद करो लॉ नंबर 2 क्या पढ़े थे हमने? हमने लॉ नंबर 2 पढ़ा था, अगर बेस इक्वल हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, तो ये पावर क्या हो जाएंगे? पावर माइनस हो जाएंगे। देखो मैंने माइनस किया है, 4 टू द पावर 5 - 8 × 64। तो इसको सॉल्व करोगे, 5 माइनस 8 कितना होता है? -3 होता है। तो 4 टू द पावर -3, 4 टू द पावर -3 × 64। तो 4 टू द पावर -3 ऐसे मैंने लिखा है, और ये जो 64 है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 64 को क्या किया है, 4 का क्यूब मैंने लिख दिया है। क्यों 64 को आप 4 का क्यूब नहीं लिख सकते? यस लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो बच्चों, आंसर 64 ही आएगा ना। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। तो देखो मैंने 64 की जगह यहाँ पर क्या लिखा, 4 का क्यूब लिखा है मैंने। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहता था कि ये दोनों का बेस इक्वल हो जाए। ये तो 4 है, मैं ट्राई कर रहा था इसको भी एज ए बेस 4 इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या। तो मैंने देखा हाँ, एज ए बेस 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या कौन सा? 64। तो 64 को मैंने लिखा 4 टू द पावर 3। तो देखो मैंने बेस इक्वल कर दिया, बेस इक्वल मुझे पता है, अगर बेस इक्वल कर दिया तो मैं लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, लॉ नंबर 1 बेस इक्वल मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगे? पावर प्लस हो जाएंगे। तो -3 + 3, 4 टू द पावर -3 + 3, -3 + 3 हो गया 0। एनीथिंग पावर, एनी बेस पावर 0, आपको पता है, एनी बेस नहीं, बेस नॉट इक्वल टू 0 पढ़ाया था आपको, बेस 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर 0 को छोड़ के नॉन जीरो नंबर ऊपर अगर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होगा। समझ में आ गया? अब बचा क्वेश्चन नंबर 9, इसी वीडियो में सारा बता देते हैं, और एक वीडियो क्यों बनाएंगे, इसी में हम सब बता देंगे। देखो बिट 9, देखो यहाँ पर बिट 9 में, देखो यहाँ पर वीडियो तो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। बिट 9 देखो, 4/5 टू द पावर -3, यहाँ पे 4/5, देखो जो जो मतलब यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मत करो, यहाँ पर आप देखो कि बेस इक्वल 4/5 4/5 4/5, तो यहाँ पर देखो सबका बेस क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी बेस इक्वल दिया है, 4/5 हमारा काम आसान हो गया। 4/5 बेस इक्वल, बेस जब हमको पता है बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लीकेशन होते हैं उनके बीच में, तो पावर सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखो मैंने प्लस कर दिया पावर, तो -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर देखो। ठीक है, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा ऊपर, सिर्फ 2 बचा, तो 4/5 का स्क्वायर रहा। 4/5 का स्क्वायर मतलब पता है, 4/5 × 4/5, इसको सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा 16/25। लास्ट क्वेश्चन ये है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ये नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, -1/2 टू द पावर -3 / -1/2 टू द पावर -4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखो
यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर क्या और एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर मतलब क्या, ये टोटल माइनस वन बाय टू टू द पावर माइनस थ्री, ये टोटल बच्चों न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर क्या है, माइनस वन बाय टू टू द पावर माइनस फोर। उसी तरह इस फ्रैक्शन में भी ये टोटल न्यूमरेटर है, ये टोटल डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन जब मैं ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं डिविजन का फॉर्मेट में, पहले न्यूमरेटर आता है देन डिनोमिनेटर आएगा। इसको भी बच्चों मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है। कुछ मुश्किलें आपको देख कर डरना नहीं है, डरो मत, बहुत ईजी है, समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा। कुछ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, डिविजन का फॉर्मेट में जैसे हम लिखते हैं, जैसे फोर बाई टू, जैसे मैं आपको कितने बार समझा चुका हूँ, फोर बाई टू का मतलब हम लिख सकते हैं फोर डिवाइड बाई टू, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसके साथ ये डिवाइड किया, इसके साथ ये डिवाइड किया, बीच में क्या था माइनस का साइन, मैंने यहाँ माइनस रखा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दोनों को दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया है कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे लास्ट में, यही करना है हमको। तो पहले मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, तो देखो बेस इक्वल है, बीच में डिविजन है, पावर क्या हो जाएंगे, पावर माइनस, देखो माइनस थ्री माइनस माइनस फोर। कन्फ्यूज लग रहा है ना यहाँ पर, नहीं कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, इसका पावर क्या है माइनस थ्री, इसका पावर क्या है माइनस फोर। तो ये दो जो नंबर है, पहला नंबर क्या है माइनस थ्री, दूसरा नंबर क्या है माइनस फोर, तो ये दो नंबर क्या होंगे आपस में माइनस होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिविजन का साइन है। तो देखो माइनस थ्री ये हुआ पहला नंबर, माइनस फोर ये हुआ दूसरा नंबर, यहाँ पर माइनस फोर। अब ये जो पहला नंबर माइनस थ्री, ये दूसरा नंबर माइनस फोर, इन दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस करना है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन दिया है। तो एक नंबर के सामने मोर देन वन साइन नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट दे दिया। तो यहाँ बच्चों आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस थ्री बाई फोर। डिटो यही केस यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ, यहीं पर समझ लो वैसे ही हुआ, ठीक है। तो इसको इसको सॉल्व करोगे माइनस थ्री प्लस फोर, तो इसको सॉल्व करोगे वन निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे इधर सॉल्व करोगे तो वन निकलेगा। तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, मतलब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो फाइनली आंसर निकला माइनस वन बाई टू टू द पावर माइनस वन। ये जो फ्रैक्शन था इसको, ये जो पार्ट को मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर निकला माइनस वन बाई टू टू द पावर माइनस वन। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन था, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, तो इस यहाँ पर देखो नेगेटिव साइन यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वन बाई टू टू द पावर वन, पावर वन है मतलब वही लिख देना है आपको, माइनस वन बाई टू, इसका भी माइनस वन बाई टू लिख दो। फिर इन दोनों को मतलब माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का साइन मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है। इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे टू, तो माइनस वन माइनस माइनस वन, समझ में आ रहा होगा, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़े हो गए चैप्टर टू, तो सबको समझ में आ रहा होगा। माइनस वन माइनस 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 वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस वन प्लस वन आंसर हुआ जीरो बाई टू, तो जीरो बाई टू मतलब जीरो। तो इस वीडियो में हमारा खत्म हो चुका वर्कशीट फाइव का नंबर वन, मैंने सारे बिट कर दिए हैं, जितने थे सारे मैंने कर दिए ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। नंबर वन समझ गए कि किस लिए मैंने किया, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ताकि इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको दिक्कत ना हो। और एक बात कहना है, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप अपने स्क्रीन पर देखो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा होगा, दिखा, आप उस नंबर को नोट डाउन कर लो, कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। और एक बात बच्चों कहना था आपसे कि मैंने एक और एक चैनल क्रिएट किया है अखिल साइंस क्लासेस, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो थोड़ा। मैंने चैप्टर वन हुआ अखिल साइंस क्लासेस में, आई थिंक चैप्टर वन मैंने ख़त्म कर चुका है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था टेक्स्ट बुक का, मतलब चैप्टर वन का जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपका बुक का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, उसका भी मैंने आंसर प्रोवाइड किया है। तो मैंने चैप्टर वन के सारे क्वेश्चंस का मतलब इंसर्ट क्वेश्चन दिए हैं। मैं साइंस का बात बोल रहा हूँ, मैथ का नहीं, मैं साइंस के बारे में बोल रहा हूँ, साइंस के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। चैप्टर वन के सारे क्वेश्चन, सब चैप्टर को मैंने सिर्फ पढ़ाया है, उसके बाद उसके पेज वाइज मैंने इंसर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया है। उसके बाद भी मैंने आज ही अपलोड किया था कि उसके टेक्स्ट बुक, जो आपका साइंस का बुक का जो टेक्स्ट बुक है, तो उसका जो क्वेश्चन है, आपको बुक में जो क्वेश्चन गिवन है, ए जो फिल इन द ब्लैंक्स था, बी का मैच द फॉलोइंग था, अब देखोगे बुक में ए फिल इन द ब्लैंक्स, बी था मैच द फॉलोइंग, सी था मल्टीपल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन थे, डी नंबर क्वेश्चन आंसर थे, ई का भी क्वेश्चन आंसर था, मैंने सारे का सोल्यूशन आपको दिया है। तो अब मैं अखिल साइंस क्लासेस के चैनल पर जाओ, वहाँ आपको सारे मतलब वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाओ, अखिल मैथ साइंस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वहाँ पर सारे वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। और एक बात कहना था, अखिल मैथ क्लासेस जो है इस चैनल को भी बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ आप व्यू कर रहे हो बट आप कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब जाके कर लो,
और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका जो नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी मैं आपको मतलब वीडियो अपलोड करूँगा आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों जो जो मतलब जो मेरे वीडियो देख रहा है अगर उसको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है सर अच्छी तरह समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज मतलब बता रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तभी जाके उसको सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, अगर तभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो बच्चों आप मूव ऑन कर सकते हो। कुछ मतलब ऐसे जैसा नहीं है कि आप मेरे वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और बहुत भी अच्छे अच्छे सर हैं जो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत भी अच्छे अच्छे सर हैं यूट्यूब पे, आप उसके भी वीडियो जाकर देख सकते हो। तो मेरा इतना बस रिक्वेस्ट है तो कि आप जो भी मतलब देख रहे हो अगर आपको थोड़ा भी अगर 1% भी अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अखिल मैथ क्लासेस को और साइंस क्लासेस को भी। तो बच्चों इतना ही बस कहना था, चलो गुड नाइट।